team? Yeah, kid, you're on the team. Thank you! Hey, hey, come on. Go put some shoes on. एक बात सब कान खोल के सुन लो, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, बल्कि बाहर जागने की भी कोई कोशिश नहीं करेगा। उस्ताद, अगर हमने यहाँ पे बंद ही रहना था तो हम जेल से निकले क्यों थे? महफूज पैकेजिंग का आइडिया है ना? हाँ। ये बचपन से हमारे दिमाग में था, अब हमारी बहू कहेंगी कि अब्बा आपने पहले तो नहीं बताया। अरे भाई, हमारी आदत नहीं है शोबाजी वगैरह करने की। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। हम एक साथ पढ़ते हैं और जब एक साथ पढ़ते हैं तो हम एक दूसरे के दोस्त हुए ना, तो दोस्तों को कभी धक्का देकर गिराते नहीं है, बल्कि कोई दोस्त गिर जाए तो उसे उठाते हैं। चलो शाबाश, हाथ दो अपना। अगर हम उसे अदाकारी का चांस दिलाने का झांसा दें तो फिर हम उसे सब कुछ उगलवा सकते हैं। मगर ये काम हम कैसे करेंगे? क्यों? अरे ये तो हमें पहचानता है। ओ हाँ, तो फिर इस काम के लिए निदा और शौकत से हेल्प लेते। गुड, वो तो पीछे ही आ रहे हैं। आओ उनको समझाते हैं। समझ गए ना सारी प्लानिंग? हाँ, समझ गए। ठीक है, जाओ कॉन्फिडेंस से। ठीक है। के नाम का शख्सियत पे बहुत असर होता है। और क्यों भाई अपना पौए होते है के नहीं? वो तो नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब सब रेडी है तो काम शुरू करते हैं। ये काम इतना आसान नहीं है, इसे बात तो समझ के करना पड़ेगा। हाँ, अगर कब करेंगे, कब, कहाँ और कैसे, ये मैं टाइम आने पे बताऊंगा। Oh my God, Harry. Why should I even make the bed or wash the dishes? I do them. But why should I? I'm alone. Is this heaven? No, this is Mount Everest. You should flip on the Discovery Channel from time to time. But I guess you can't now, being dead and all. I'm dead? Nah, I'm just messing with you. That's not funny, man. And though you would call it a burden, a sacrifice, you are mistaken, sir, and should be ashamed of yourself. The idea! Fine. I'll help you do the damn dishes. Oh, come on. You know what? No, that's not what I want. You just said that you want me to help you do the dishes. I want you to want to do the dishes. Why would I want to do dishes? Why? See, that's my whole point. Listen to me. Yes, I lied to you. No, I don't love you. Of course it makes you look fat. I've never been to Brussels. It is pronounced egregious. By the way, no, I've never actually met Pizarro, but I love his pies. And all of this pales to utter insignificance in light of the fact that my ship is once again gone. Savvy?